Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Welcome to the online class, 10th class. Umeed hai aap khairiyat se honge. और आज हम इंशाल्लाह अपने आज के लेक्चर में जो है वो आपकी जो लास्ट तफहीम इबारत है यानी कि आपके स्मार्ट सिलेबस के हवाले से भी और यानी कि आपकी जितनी तफहीम इबारत आपको करवानी थी उनमें भी जो लास्ट आपकी तफहीम इबारत है आज हम उसको इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो देखते हैं। तो तफहीम इबारत की रीडिंग करने से पहले एक आप नोट कर लें, जो आपकी तफहीम इबारत की जो नंबर बन रहा है वो है तकरीबन 15 और जो सफ़ा नंबर है इसका वो है 116। तफहीम इबारत नंबर, तफहीम इबारत जो है वो है 15 और सफा 116 पे जो है ये तफहीम इबारत है। सबसे पहले हम अपने मामूल इसकी रीडिंग करते हैं और फिर इसमें से क्वेश्चन आंसर जो है वो जो इसके आखिर में होते हैं वो हम जो है वो सॉल्व करते हैं, यानी इसके बीच में निशान भी लगाते हैं और इंशाल्लाह बोर्ड पर भी हल करते हैं। तो तफहीम इबारत नंबर 15, इकबाल रहमतुल्लाह की इनफरादियत ये है कि वो एक बाअमल शायर थे, ठीक है। उन्होंने शेर के जरिए इस्लामी तालीमात, हुस्न अखलाक, खुदी फिक्र दरवेशी और मानव से बेजारी की तलकीन की और अपने अमल के जरिए इसका सबूत मुहैया किया, ठीक है। अपने अमल के जरिए इसका सबूत मुहैया किया। उन्होंने मुसलमानों की सियासी जदोजहद में अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक शिरकत की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यूरोप का सफर भी किया। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फलस्तीन गए। नीज इस्लामी अफकार और फलसफा की इशात के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, दिल्ली, हैदराबाद, दक्कन, मदारस और बंगलोर वगैरह के दौरे किए। मुसलमानों के इसरार पर पंजाब असम्बली में मुसलमानों के हकूक के लिए इंतखाब में हिस्सा लिया और 3 साल तक असम्बली में मुसलमानों के हकूक की जंग लड़ी, हत्ता के इस्लाम के निफाज के लिए एक अलग खिता जमीन के हसूल की राह दिखाई, यानी कि नजरिया पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान एक अलग इस्लामी रियासत होनी चाहिए। पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज़ादी और तामीर नो का बलबला ताज़ा अता किया, ठीक है। ये उन्हीं की जो है वो सोच और फिक्र थी कि जिस पर उन्होंने मुसलमान रहनुमा जो थे उस टाइम के उनको शऊर दिलाया कि मुसलमानों के लिए एक अलग हिस्सा होना चाहिए, एक अलग खिता होना चाहिए दुनिया में जहाँ पर वो अपने मजहब और अपने दीन के लिहाज से यानी कि अपनी जिंदगी वो गुजर बसर कर सकें। या वहाँ पर चूँकि मजहबी आज़ादियाँ नहीं थी उस टाइम, तो उस मुसलमान जो है वो तरह तरह के आपके लिए हिस्सों और तशद्दुद के शिकार थे। अपनी इबादत जो है अपने दीन में और अपनी जो एक मजहबी ज़िंदगी थी वो गुजारने के लिए मुश्किल थी। तो फिर यही वो सरबराह थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का जो है वो क्याम अमल में लाने के लिए बाकायदा तौर पर इब्तदा की और लोगों के जो है वो माइंड को जो है वो इस तरफ किया, ये रास्ता दिखाया कि यहाँ पर रहना और मुसलमानों को अपनी मजहब के अपने मजहब के हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी तो मुश्किल है। तो इन मुसलमानों के लिए मुसलमान भी चूँकि हक रखते हैं उनको अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए, तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए, अलग एक खिता होना चाहिए जहाँ पर मुसलमान अपनी ज़िंदगी अपने मजहब के हिसाब से गुजार लें, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल उन दोनों का यानी हज़ारों साल इकट्ठे रहने के बावजूद उनका रहन सहन, मजहब, तौर तरीके और रस्म रवाज थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और एक तरफ बुतों की पूजा करना, जब दोनों की नजरियात ही अलग हैं तो फिर वो इकट्ठे कैसे रह सकेंगे या कैसे उन पर आपस में जो है ना आबादगी हो जाएगी इस बात पर कि वो अपने मजहब के मुताबिक। और चूंकि हिंदू तो जो है वो तंग नजर थे, उन्होंने मुसलमानों को उनके मजहब के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना, बल्कि उन्होंने शुद्धी और संगठन वगैरह की तकनीकें आपको पता चलाई हैं कि मुसलमानों को ये ख़त्म कर दिया जाए या उनको हिंदू बना दिया जाए।
फिर ऐसे रहनुमा थे उस टाइम के जिन्होंने आकर मुसलमानों को जो है वो ऐसा रास्ता दिखाया, और जो अल्हम्दुलिल्लाह इनका ख्वाब था जो वो बाद में पूरा हुआ पाकिस्तान की शक्ल में। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है जहाँ पर मुसलमान अपने मजहब के हिसाब से आज़ादाना ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। तो ये थे हमारे शायर मशरक डॉक्टर अलाउद्दीन इकबाल। अब हम आते हैं इनकी जो तलीस जो तफीम इबारत के आखिर में जो मुख्तसर सवाल होते हैं उनके जवाब इसमें से देखते हैं। तो पहला सवाल है कि इबारत का जो है मुनासिब उनवान तय नहीं करें, यानी जो तफीम इबारत आपने पढ़ी है इसको कोई उनवान दें आप, तो वो उनवान जो है वो ये भी हो सकता है कि अलामा इकबाल की इनफरादियत, जो सबसे पहले है इकबाल रहमतुल्लाह की इनफरादियत, ठीक है, ये भी हो सकता है इसका। और दूसरा जो है मैं भी बोर्ड में आपको लिखवा भी देता हूँ, बल्कि मैं पहले आपको निशान लिखवाता हूँ फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको जला बोर्ड पर लिखवाता हूँ। तो पहला जो सवाल है आपका तो वो ये है कि इस इमारत को मुनासिब फरमान तहरीर करें, तो एक जैसे मैंने ये बताया है कि आप ये जवाब इसका ये मुनासिब बनता है कि अलामा इकबाल की इनफरादियत, या दूसरा ये बन सकता है, ये भी हो सकता है कि अलामा इकबाल की मिली वादत या मिली खिदमत, अलामा इकबाल की मिली खिदमत। अच्छा दूसरा सवाल है इकबाल ने शेर के जरिए हमें क्या तलकीन की है, तो इकबाल ने ये भी इबारत में बोला है कि इकबाल ने अपने अशार के जरिए हमें इस्लामी तालीमात और आला अखलाक खुदी दरवेशी फिक्र व फिक्र की तलकीन और मगरब से बेजारी का सबक दिया, ठीक है, ये इबारत में हमें करना पड़े। अगला सवाल है इकबाल ने इस्लामी अफकार की इशात के लिए किन इलाकों का दौरा किया, ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो अलामा इकबाल ने इस्लामी अफकार की इशात के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, और जिनमें से दिल्ली हैदराबाद दक्कन मदारस और बंगलौर वगैरह का शामिल है, ठीक हो गया। आगे देखिए इकबाल की इनफरादियत क्या है, इकबाल की इनफरादियत यह है कि वो एक बामिल शायर थे, उन्होंने शेर के जरिए इस्लामी तालीमात हुस्न अखलाक खुदी फिक्र दरवेशी और मगरब से बेजारी की तलकीन की और अपने अमल के जरिए इसका सबूत मुहैया किया, ठीक हो गया। आगे अगला सवाल है इकबाल ने पंजाब असम्बली के इंतखाब में हिस्सा क्यों लिया, ठीक है, तो अभी हमें पढ़े ना कि इकबाल ने पंजाब असम्बली में मुसलमानों के हकूक के लिए इंतखाब में हिस्सा लिया और 3 साल तक असम्बली में मुसलमानों के हकूक की जंग लड़ी, मुसलमानों के कहने पर उन्होंने इस असम्बली का असम्बली में हिस्सा लिया, ठीक है। अब हम आते हैं बोर्ड पर और रीडिंग होगी या हम बकायदा तौर पर इसको जो है वो लिखते हैं। सबसे पहला सवाल है इस इबारत का मौजू बर्बाद तहरीर करें, सीन नंबर 1, इस इबारत का मौजू उनवान तहरीर करें, इस इबादत इबारत का मौजू उनवान तहरीर करें, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसके दो बन सकते हैं उनवान, एक तो इलामा इकबाल की इनफरादियत या फिर इलामा इकबाल की मिली खिदमत, जी अलामा इकबाल रहमतुल्लाह की मिली वादत या फिर इंफ्रादियत इंफ्रादियत इकबाल, ये दोनों इसके मौजूद के मुनासिब जो है वो कुर्बान बन सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 है इकबाल ने शेर के जरिए हमें क्या तलकीन की, इकबाल रहमतुल्लाह ने शेर के
जरिए हमें क्या तरीन की इकबाल ने हमें शेयर के जरिए क्या तरीन की है। तो अलामा इकबाल ने अपने अशआर के जरिए हमें इस्लामी तालीमात को जो है और आला अखलाक खुदी दरवेशी और फिक्र की तलकीन और मौरव से बेजारी का सबक दिया। ठीक है, तो इकबाल ने हमें अपने अशआर के जरिए अपने अशआर के जरिए इस्लामी तालीमात इकबाल ने हमें अपने अशआर के जरिए इस्लामी तालीमात आला अखलाक खुदी दरवेशी दरवेशी और फकर की तलकीन की तलकीन की और मगरब से बेजारी का सबक दिया। यानी कि इकबाल ने हमें इस्लामी तालीमात और आला अखलाक खुदी दरवेशी और फकर की तलकीन की और मगरब से बेजारी का सबक दिया। यानी अलामा इकबाल आपसे पहले ये देख चुके थे कि मगरब का जो असर वो हमारे एशिया ममालिक या हमारे मुसलमान ले रहे हैं, तो उन्होंने आज से तकरीबन बल्कि पाकिस्तान बनने से भी पहले उन्होंने ये कह दिया था कि मगरब के तरीके रवायत जो है और जो उनकी सकाफत है उनको ना अपनाया जाए बल्कि उनसे दूर रहा जाए, क्योंकि हम मुसलमान ही हैं। हमारा माशरा जो है हमें इस्लामी तालीमात हमें क्या सबक देती है और मगरब की जो तालीमात है वो हमें क्या सबक देती है। तो यानी कि उसमें हर लिहाज से जो है वो तबाही और बर्बादी उनको नजर आ गई थी, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से बनने से पहले ही, क्योंकि आपकी जो वफात है वो पाकिस्तान बनने से पहले ही हो गई थी, अगरचे वो नजरिया पाकिस्तान के खालिफ थे लेकिन उनकी किस्मत में शायद ये नहीं था कि वो अपनी आंखों से उस अपने ख्वाब को पूरा होते हुए देख लें। लेकिन ये है कि उस टाइम वो हमें वो कुछ कह रहे हैं कि जो आज के लोग भी अब तक भी नहीं सोच पाते, तो वो उस टाइम ये सब कुछ देख गए थे। अल्लाह ने उन्हें फहम दे दिया था कि वो पहले ही बता चुके थे, उन्होंने मुसलमानों को अपने अशआर के जरिए जो है वो सब कुछ रहनुमाई कर गए हैं। ठीक है, तो मगरब से बेजारी का सबक दिया। आगे देखें, इकबाल ने इस्लामी अफकार के इशार के लिए किन इलाकों का दौरा किया। इकबाल ने इस्लामी इफकार इकबाल ने इस्लामी इफकार की इशार के लिए किन इलाकों का दौरा
किया। तो हम वाले कौन से इलाके बनने इस्लामी अफकार के शर्त में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों दिल्ली हैदराबाद भोपाल इकबाल इकबाल रहमतुल्लाह ने इस्लामी अफकार की इशार के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों इलाकों दिल्ली हैदराबाद दक्कन दिल्ली हैदराबाद दक्कन मदारस और बंगलौर मदारस और बंगलौर वगैरह का दौरा किया। ठीक है कि इस्लाम ने इस इकबाल रहमतुल्लाह ने इस्लामी इशाअत के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें दिल्ली हैदराबाद दक्कन मदारस और बंगलौर वगैरह के इलाकों का जो है वो दौरा किया है इस्लाम की इशाअत के लिए। ठीक है आगे है इकबाल की इंफरादियत क्या है इसको आप एक बार देख लें। तो यहाँ से मैं रेज करके तो दोबारा ऊपर लिखता हूँ ये तीन सवाल आप अच्छी तरह देख लें इनको। आगे मेरे दो सवाल हैं यहाँ लिखे इकबाल की इंफरादियत क्या है सवाल नंबर चार है इकबाल की इंफरादियत क्या है इकबाल की इंफरादियत क्या है जवाब इकबाल एक बामल शायद है शायद थे इनकी क्वालिटी ये थी कि वो एक बामल शायद थे और उन्होंने शेर के जरिए आगे बढ़ गए उन्होंने शेर के जरिए इस्लामी तालीमात उन्होंने शेर के जरिए इस्लामी तालीमात हुस्ने अखलाक खुदी हुस्ने अखलाक खुदी दरवेशी उसने अखलाक खुदी दरवेशी और फकर की तलकीन की खुदी दरवेशी और फकर की तलकीन की
की और मगरब से बेजारी का सबक दिया आगे है। आगे इकबाल ने पंजाब असेंबली का इंतखाब क्यों इंतखाब में हिस्सा क्यों लिया? इकबाल ने पंजाब असेंबली के इंतखाब में हिस्सा क्यों लिया? ठीक है, तो उन्होंने पंजाब असेंबली में हिस्सा मुसलमानों के हकूक के लिए इंतखाब में हिस्सा लिया और 30 साल तक असेंबली में मुसलमानों के हकूक की जंग लड़ी। यानी कि वजह क्या थी? इकबाल ने पंजाब असेंबली में मुसलमानों के हकूक के लिए ऐसा लिया, उस हकूक हासिल करने के लिए ऐसा लिया और 3 साल तक मुसलमानों के हकूक की जंग असेंबली में लड़ते रहे। ठीक हो गया बेटा, के मुसलमानों असेंबली में ऐसा इसलिए कि लिया नहीं कि मुसलमानों के हकूक उनको दिलवाएं और 3 साल तक यही फराइज सर अंजाम देते रहे पंजाब असेंबली में। ठीक है बेटा, हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म हुए। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसको ठीक तरह से देख लिया और आपको कहा था कि आपने अब तक के बारे में जो है वो लफ्ज़ बिलफ़्ज़ याद करनी है, क्योंकि अगर एमसीक्यू इस वैसे आ जाता है तो फिर आपने को वो अच्छी तरह याद होगा, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में जब मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।